गायत्री मंत्र, गैया, गंगा, ये त्रिवेणी को जिंदा रखो। हिंदुस्तान में किसी चीज की कभी भी कमी आने वाली नहीं है महाराज, कभी कमी नहीं आएगी। अच्छा बोलिए, जहां इंसान नहीं जाता वहां पेड़ पौधे सब अपने आप पैदा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं, क्योंकि वहां जानवर रहते हैं, जानवर वहीं खाते हैं, वहीं सोते हैं, वहीं गोबर करते हैं, उसी गोबर से धरती माता ऊर्जा से भर जाती है, फिर बीज आते हैं, आंधी आती है, फल टूट के गिर जाते हैं, वही फल धरती में चला जाता है, वही बीज अंकुरित हो जाता है, अपने आप परमात्मा सब कर रहा है। तुम्हें करने के लिए जो नाश किया है सृष्टि का, उसका उत्थान करने के लिए तुम्हें ही खड़ा होना पड़ेगा। शरीर में कहीं भी ऑपरेशन की स्थिति आई है, उसकी जिम्मेदारी शरीरधारी इंसान की है। जब तक हम कोई गलती नहीं करेंगे, शरीर में ऑपरेशन की स्थिति आती नहीं है, नहीं आती। हम गलती करते और उसे टालते, समझना नहीं चाहते, वो स्थिति आ जाती है। तो आज मैं थोड़ा ऑपरेशन कर रहा हूं तो ये स्थिति आपने पैदा की है, नहीं तो मुझे इतनी ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं। बोल की भी कथा सुनाई जा सकती है, सारी दुनिया सुना रही है कथा, पर मुझे कथा सुनाने में कोई रुचि जब आती है, जब संस्कृति का रक्षण किया जाए, शास्त्रों का रक्षण किया जाए और मानव की जिम्मेदारियों का सही पालन किया, तब सुनाने का फायदा है। अंधे भैरव की तरह सुनाते रहो, तुम सुनते रहो और बस पुण्य मिल जाएगा, पाप धुल जाएंगे, इतने के लिए कथा नहीं करनी है। पाप धुलने के बाद इतना भी कथा का हमें साथ लेना है। अच्छा बताओ, कितने लोग आप में से ऐसे जो हरिद्वार आए और घर से पराठे नहीं लाए? कौन कौन है जो लाए नहीं? बिल्कुल खाके निकले, घर से लाए नहीं। अच्छा, जो लेके आए थे घर से, अब वो हाथ ऊपर करो। लाने वालों की संख्या ज्यादा है। कहने का अर्थ है, पराठे के बारे में नहीं पूछ रहा मैं, खाली मैं पूछ इसलिए रहा हूं क्योंकि मुझे अपनी बात सिद्ध करनी है। हम घर से लंबी यात्रा के लिए निकलते हैं तो मार्ग में खाने का कोई साधन जरूर बैग में रख लेते हैं, लड्डू बोलो, पराठे बोलो, कुछ और बोलो, रख लेते हैं। तो महात्मा इंद्रदेव भी यही कह रहे हैं, ये 7 दिन की जो यात्रा है ये तो समाप्त हो जाएगी, पर यहाँ से जाने के बाद यात्रा खत्म नहीं होगी, जीवन आगे चार से भी यहाँ का प्रसाद, गंगा का प्रसाद, ज्ञान गंगा का प्रसाद, भक्ति का प्रसाद साथ में लेके जाना है, क्योंकि यात्रा में उसी से ही भूख मिटेगी, उसी से सहायता मिलेगी। सबसे पहले गंगा मैया को भागीरथ धरती पर प्रकट करते हैं। उद्देश्य है कि भागीरथ जी ने गंगा मैया के सोने से घाट बनवाए, सोने से घाट बनवाए। हम तो पत्थरों के घाट देख के खुश हुए जा रहे हैं महाराज, कि बड़ा सरकार ने काम कर दिया, बड़ा काम कर दिया सरकार ने। चलो कीचड़ से तो अच्छा, पत्थर का ही घाट अच्छा है, पर सोने के घाट भागीरथ जी ने बनाए। इसका मतलब सीधा है कि गंगा मैया को भी सोना, पर ऐसे फेंको मत पानी, गंगा मैया पे सोना चढ़ाना है तो इसी तरह चढ़ाओ जो भागीरथ जी ने चढ़ाया। ऐसे घाट बनवा दो अपनी कमाई से, गंगा मैया को ऐसा सजा दो कि जो भी दुनिया का लोग, दूसरी संस्कृति का भी आए, गंगा मैया का दर्शन करे तो वहां उसे बैठने की इच्छा हो, वहां रुकने की इच्छा हो, वहां कुछ कहने की इच्छा हो, इतने पवित्र घाट निर्माण हो जाने चाहिए। घाटों का निर्माण हो रहा है, तीर्थों में अलग अलग घाट बनाए जा रहे हैं, तो एक बार पुनः धन्यवाद दीजिए जो भी गंगा मैया पे घाट बनवा रहे हैं, सभी धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि गंगा का श्रृंगार उसके घाटों को ही माना गया है। इसलिए हम सब लोग इसी तरह गंगा मैया का समय समय पर घाट निर्माण करवाए। गणेश महापुराण की जब मैं कथा सुनाता हूँ, कथा आती है राजस्थान के राजा की, उसी पर गणेश पुराण पूरा लिखा हुआ है। सोमकांत राजा दुनिया के सभी धर्म स्थलों को जीर्ण उद्धार करते थे, उसकी वजह से उनके शरीर में आया हुआ मरने वाला रोग भी
ठीक हो गया, शरीर फिर से नया हो गया। जब हम मंदिरों का तीर्थों का जीर्णोद्धार करने में धन लगाते हैं तो हमारी जो ये रोग से रहित हो जाती है, अमृत हो जाती है, निरोगी हो जाती है। धर्मस्थान देवस्थान श्री भागीरथ, जैसे ही गंगा प्रकट हुई, भागीरथ जी ने गंगा से अपने पितरों का उद्धार कहां करवाया? काशी में। काशी के आगे गंगा में कोई भी तीर्थ ऐसा नहीं आता जहां पितरों का पूजा किया जाता हो। केदारनाथ बद्रीनाथ से लेकर काशी तक आप अपने पितरों की पूजा गंगा में कर सकते हैं। काशी के बाद गंगा सागर की जा सकती नहीं है, क्योंकि गंगा मैया ने भागीरथ जी के पितरों का कल्याण किया काशी में, और काशी के बाद गंगा मैया लुप्त हो गई, अवृत हो गई। काशी के बाद गंगा को केवल पानी माना गया।